कुछ दिनों पहले झालावाड़ में तालाब में सपना कुनवर नामक एक महिला की लाश मिली थी, जिसका विवाह 2 वर्ष पहले अभिजीत सिंह के साथ हुआ था। सपना कुनवर के परिवार का आरोप है कि सपना कुनवर का पति और उसकी सास एवं उसकी ससुर उसके दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। इसी संबंध में समाज के लोग इकट्ठा होकर पुलिस थाना शामगढ़ पहुंचे और यहाँ पर एक ज्ञापन के माध्यम से सपना कुनवर के दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने के लिए एवं निष्पक्ष जाँच के लिए आवेदन दिया। लाश मिली है, उस विषय में शामगढ़ थाना अधिकारी महोदय को जय भवानी राष्ट्रीय राजपूत महासभा की ओर से एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की उनसे निवेदन किया गया है। तो शंका तो ये है कि ससुराल पक्ष दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और अक्सर मारपीट होती रहती थी, तो हत्या की हमें आशंका है, जिसका हमें पूर्ण विश्वास है कि पुलिस प्रशासन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाएगा। यदि मांग पूरी नहीं होती है तो जय भवानी राष्ट्रीय राजपूत महासभा एक उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी पुलिस प्रशासन की और प्रशासन की रहेगी। ये जो जय भवानी राजपूत संगठन द्वारा जो महासभा मध्य प्रदेश द्वारा उनके प्रदेश अध्यक्ष सिंधु सिंह जी राजपूत आए थे, उनके साथ उनके संगठन के और भी सदस्य थे। इनकी ये मांग थी कि पुलिस थाना शामगढ़ के खेड़ा देवी सिंह जो गांव है, वहाँ की बहन बेटी थी सपना कुंवर, उसकी शादी अभिजीत सिंह पिता तूफान सिंह के साथ हुई थी और ये परिवार जो है झालावाड़ में रहता था, प्रॉपर झालावाड़ में रहता था। तो वहाँ पर 24/3/2021 को वो तालाब में उस बच्ची की सपना कुंवर की लाश मिली थी। उस संबंध में इनकी मांग थी कि उसकी हत्या उसके पति और उसके सास ससुर द्वारा की गई है, दहेज को लेकर उसमें कार्रवाई की जा रही है, मेरे द्वारा ले लिया गया है और झालावाड़ राजस्थान स्टेट में है और मेरे द्वारा जो जानकारी ली गई है वो ये ली गई है कि झालावाड़ कोतवाली में इसमें 304B IPC का प्रखंड भी पंजीबद्ध हो गया है और एक ज्ञापन का जो प्रतिवेदन लेके और SP साहब के माध्यम से झालावाड़ SP साहब को भेज दिया जाए। ज्ञापन के माध्यम से और उन्होंने क्या मांग की है? उनकी मांग की थी कि इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए, जो पूर्व में ही झालावाड़ पुलिस द्वारा कर दी गई है 304B का प्रकरण। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।